हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट एट ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे एचएसएबी प्रिंसिपल, दैट इज पियर्सन कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एचएसएबी प्रिंसिपल क्या है। यस स्टूडेंट्स, जब हमने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या था कि जब भी कोई एसिड या बेस कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो वी कैन राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग क्या था भाई आपके पास, व्हेन एवर एन एसिड और बेस रिएक्शन टेक प्लेस, व्हेन ए एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस, एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस, जब भी कोई एसिड या बेस रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है भाई, देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या होता है उसके अंदर, जो आपके पास एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल है वो बेस के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन शो करते हैं। दैट इज देयर इज ए कॉम्बिनेशन, देयर इज ए कॉम्बिनेशन, देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल किसके है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एसिड, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एसिड एंड दूसरे कौन है भाई आपके पास, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द बेस। यही तो हमने कहा था, ठीक है, कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो देखिए एसिड का सबको पता है एसिड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और बेस क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एसिड से क्या किया जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। यही तो आपके पास लुईस कॉन्सेप्ट था। तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एसिड और बेस दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, जो भी आपके पास एसिड के कैसे ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ बेस के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। लाइक मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, ए को मैं डिनोट करती हूँ एसिड से, और उसने रिएक्शन की किसके साथ, बी के साथ, बी इज फॉर बेस, ठीक है। अब देखिए बेस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब रिएक्शन होती है एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, एट दैट टाइम आपके पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसको डोनेट किए जाते हैं, ये मेटल को डोनेट किए जाते हैं, और आपके पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ए एंड बी के बीच में, और आपके पास ए और बी के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं कि अब आपके पास क्या फॉर्म हो गया है, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। दिस इज ए एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म हुआ है ये स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि यहाँ पर जो रिएक्ट करने वाले एसिड और बेस है उनका नेचर कैसा है, वेदर एसिड यहाँ पर स्ट्रोंग है या आपके पास वीक है, ऐसे ही बेस यहाँ पर स्ट्रोंग है या वीक है, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है, नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, कि वेदर वो क्या है भी आपके पास, वेदर दे आर स्ट्रोंग और वीक, वेदर दे आर स्ट्रोंग और वीक, ठीक है। तो देखिए लुईस के अकॉर्डिंग हमने ये कहा पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है तो एसिड बेस रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेस से एसिड को डोनेट किए जाते हैं, किसमें डोनेट किए जाएंगे, बेस अपने फील्ड ऑर्बिटल से जो है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक एसिड बेस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, एंड दिस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस, दैट इज दे आर स्ट्रोंगर और वीकर। सो कि आपके पास बॉन्डिंग किस तरह की हो रही है, बॉन्डिंग किस कब प्रिफरेंशियल है, कब बॉन्डिंग जो है प्रीफर की जा रही है, किस टाइप की बॉन्डिंग जो है प्रीफर की जा रही है, तो उसके बिहाफ के ऊपर बेस्ड अपॉन प्रिफरेंशियल बॉन्डिंग, प्रिफरेंशियल
इसको किस बॉन्डिंग को आप प्रीफर कर रहे हो, ठीक है, बेस्ड अपॉन प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग। जो आपके पास एसिड एंड बेस होते हैं ना, एसिड एंड बेस को हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एसिड्स को भी टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं और बेस को भी टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ एसिड से मेरा मतलब क्या है भाई, मेटल से है, ठीक है। यहाँ एसिड से मेरा मतलब क्या है भाई, मेटल से है। और बेस का मतलब आपके पास जो मेटल के साथ लगने वाला लिगेंड जो होता है, उसको मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, बेस बोलूंगी, ठीक है। तो देखिए, जब मैं मेटल को क्लासिफाई करती हूँ, ठीक है, जब मैं किसको क्लासिफाई करूँ, मेटल मतलब एसिड को यदि मैं क्लासिफाई करूँ, किसको क्लासिफाई करूं, यदि मैं यहाँ पर किसको क्लासिफाई कर दू, मेटल को, एसिड को, सॉरी, दिस इज मेटल और वी कैन से एसिड, एक ही बात है, ठीक है। तो मेटल को क्लासिफाई करते हैं, तो मेटल की टू क्लासेस जो है वो यहाँ पर आती है, मेटल की टू क्लासेस है, ओके। वन इज क्लास ए, वन इज क्लास ए एंड अनदर वन इज क्लास बी। पहले क्या है आपके पास, क्लास ए मेटल आयन, क्लास ए मेटल आयन आप जिसको बोलेंगे, और सेकंड बोलेंगे आप क्लास बी मेटल आयन, क्लास बी मेटल आयन, ठीक है। हमने क्या किया, एसिड्स जो है उनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट वन इज क्लास ए एंड सेकंड वन इज क्लास बी। नाउ क्लास ए के अंदर कौन कौन से जो है मेटल आयन आते हैं वो हम देखेंगे। तो क्लास ए के अंदर आती है सबसे पहले अल्कली मेटल्स, कौन सा आएगा, एल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक है वो, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किस पे आते हैं, क्लास ए के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एस ब्लॉक का सेकेंड जो ग्रुप होता है वो भी क्या आता है भाई, क्लास ए के अंदर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो भी आते हैं, साथ ही साथ कौन आते हैं, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स। लाइटर ट्रांजिशन मेटल का मतलब ये है 3D सीरीज, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे, विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां पर होना क्या चाहिए, लाइटर तो है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ पर आपके पास लूँ कि आपके पास क्या गिवन है, टाइटेनियम गिवन है, स्मॉल है, ठीक है, लाइटर एलिमेंट है, 3D सीरीज से बिलोंग करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल हाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ऐसे ही आयरन भी किसकी स्टेट में हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हाइड्रोजन भी क्या है, इसी के अंदर आता है, अल्कली मेटल्स के अंदर ही आता है। ऑल दीज आयन एंड आयंस बोलेंगे, लेकिन आपके पास क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम पर्टिकुलरली ये नहीं कहते कि ये कौन से ग्रुप में आता है, 1s ग्रुप में, तो हम इसके अंदर पहले से मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन आयन भी जो है क्लास ए मेटल्स के अंदर आता है। सबसे पहले आता है, हम बोल देते हैं कि हमारे पास क्लास ए मेटल के अंदर हमने किन किन मेटल्स को रखा हुआ है, अल्कली मेटल को रखा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा है, और लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स को रखा है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है, हाई है, ठीक है। नाउ सेकेंड जो है आपके पास, उसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए सेकेंड जो है उसके अंदर आता है आपके पास फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें लाइटर एलिमेंट्स आ चुके हैं क्लास ए के अंदर, तो हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स जो रहेंगे, हैवियर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, हैवियर जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल आते हैं, हैवियर ट्रांजिशन मेटल, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो आपके पास आएंगे ग्रुप बी के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर आते हैं। और इसके अंदर जैसे आप बोल सकते हो कि आपके पास जो सेकंड सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी आपको, लो मिलेगी, विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट, विद
लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या मिलेगी आपके पास, लो मिलती है, ठीक है। आप एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, मैंने यहाँ पर ले लिया। यदि आप हैवियर टर्म ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, ठीक है, यदि आप हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स लेते हैं तो आपके पास आ जाते हैं लाइक Hg है, प्लेडिनियम है, प्लेटेनियम है, ठीक है, कैडमियम है, ये सभी क्या होते हैं भी आपके पास जो है वो हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ओके। और ये किसके अंदर आएंगे, क्लास बी के अंदर आएंगे। इसी तरह से यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यदि मैं बात करूँ तो क्या रह सकता है, लाइक कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, Ag प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लाइक आपके पास जो Hg है वो भी किस में हो, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। काफी लो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी यहाँ पर मैंने शो की है। ये सभी किस में आते हैं आपके पास, क्लास बी मेटल आयन के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है क्लासीफाई कर दिया है, हमने क्या किया है, हमने मेटल्स जो थे, एसिड जो थे, उसको टू क्लासेस के अंदर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन आपके पास क्या है भाई, क्लास ए मेटल आयन, क्लास ए है, और सेकंड क्या है भाई, क्लास बी है, ठीक है। क्लास ए के अंदर हमने किसे रखा है, एल्कलाइन मेटल्स को रखा, एल्कली मेटल्स को रखा, और लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स को रखा है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन को रखा है। क्लास बी के अंदर हमने हैवियर ट्रांजिशन मेटल आ लिए जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिले आपके पास, लो मिले। इन दो तीन टाइप्स को हमने क्या किस किस के अंदर रखा है, क्लास बी के अंदर। सिमिलरली हमने क्या किया है, लिगेंड को भी क्लासीफाई कर लिया है। लिगेंड जिसको आप क्या बोल रहे हैं, बेस को भी हमने क्लासिफाई किया, किसके बिहाफ पर किया, वो किया कि वो किस तरह की, मतलब वो किस टाइप के मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं, वेदर क्लास ए के साथ और बी के साथ। तो डिपेंडिंग अपॉन द, किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रिफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रिफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रिफरेंस फॉर क्लास ए और बी टाइप, ठीक है, क्लास ए या बी टाइप किसके साथ वो प्रीफर करना चाहते हैं बॉन्डिंग, मेटल एटम के साथ, उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या कर दिया है भाई, हमने उनको टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया है लिगेंड्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो लिगेंड है, दैट इज लिगेंड, जो लिगेंड है उसको हमने क्या किया है, टू के अंदर क्लासिफाई कर दिया है, टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है, ओके। इसके अंदर भी आपके पास क्या होंगी, क्लास ए टाइप, फर्स्ट वन इज क्लास ए टाइप, और सेकंड हमने रखी क्लास बी टाइप, ठीक है। एक क्लास आपने क्लास ए रखी है, दूसरी क्या रखी, क्लास बी रखी है। अब क्लास ए के अंडर कौन कौन से आपके पास लिगेंड्स आएंगे, ठीक है, लाइक इसके अंदर आपके पास आते हैं डोनर एटम्स, जिनके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या क्लोरीन हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं डोनर एटम्स, जिसके अंदर क्या क्या हो आपके पास, यहाँ लिख देते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। इस तरह से यदि कुछ आता है, ठीक है, फ्लोरीन आए, ऑक्सीजन आए, क्लोरीन आए, ठीक है, जो आपके पास बोल सकते हो कि हमारे पास लाइटर जो आपके पास मेटल्स हैं, वो लाइटर जो आपके पास डोनर्स आते हैं, वो यदि आते हैं तो आपके पास क्या है, वो डोनर टाइप ए के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्लास ए के अंदर आते हैं। सेकेंड जो टाइप्स है, दैट इज दे कंबाइन विद ए टाइप ऑफ मेटल एटम, ठीक है। इनका क्या होता है कि जो क्लास ए टाइप के जो लिगेंड होते हैं ना, ये कंबाइन करते हैं विद क्लास ए टाइप ऑफ मेटल आयन, दे कंबाइन विद क्लास ए टाइप मेटल आयन, विद क्लास ए टाइप मेटल आयन, ये ए टाइप के मेटल आयन के साथ ही कंबाइन करेंगे, ये बी टाइप के मेटल आयन के साथ कॉम्बिनेशन शो नहीं करते। तो लिगेंड्स जिनके अंदर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, जिनके अंदर इस तरह के डोनर एटम प्रेजेंट हो, वो क्लास ए टाइप ऑफ लिगेंड के अंदर आते हैं, जो कि सिर्फ क्लास ए टाइप के मेटल आयन के साथ ही बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बॉन्डिंग किसके अंदर होनी है, मेटल और लिगेंड। तो मेटल आयन भी कैसा, ए टाइप का हो, और लिगेंड टाइप भी क्या होगा, ए टाइप का होगा, ठीक है। तो क्लास ए के अंदर ए टाइप के लिगेंड जो आपके पास डोनर एटम्स है। नाउ सेकंड देख लेते हैं, सेकंड जो यहाँ पर है, दैट इज क्लास बी टाइप,
ठीक है, तो इसके अंदर जो डोनर एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो इनमें हम लिखेंगे यहाँ पर डोनर एटम्स क्या होंगे, डोनर एटम्स क्या हो सकते हैं भी आपके पास, वो होंगे फॉस्फोरस, वो होगा आर्सेनिक, सल्फर के बाद सॉरी ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, सल्फर हो सकता है, सिलीनियम हो सकता है, ऐसे क्लोरीन वगैरह के बाद आपके पास आयोडीन एक्सेट्रा हो सकते हैं, जो इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनसे उन्हीं के ग्रुप के नीचे के जो मेंबर होंगे वो क्लास बी के अंदर यहाँ पर रख दिए गए हैं। ओके, सेकेंड जो है इसकी क्लास बी की जो आपके पास रखे हैं आपने लिगेंड्स, वो क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं बी टाइप ऑफ मेटल आयन, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे दे कंबाइन विद मेटल एटम विद क्लास बी ऑफ मेटल एटम विद क्लास बी ऑफ बी टाइप भी बोल सकते हो, बी टाइप ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। तो इजी सा क्लासिफिकेशन हमारे पास है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में कर दिया, एक क्लास ए रखी एक क्लास बी रखी, ठीक है। उसमें हमने देखा कि आपके पास अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स है, क्लास बी के अंदर हमने हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स ले लिए, उनके अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनकी लो है, ठीक है। फिर लिगेंड को जब क्लासीफाई किया तो फिर उसको दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया, सीधी सी बात थी कि क्लास ए टाइप के जो भी लिगेंड होंगे वो क्लास ए टाइप के ही मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, क्लास बी के जो मेटल जो लिगेंड है, ठीक है, क्लास बी के जो लिगेंड्स हैं वो क्लास बी के ही मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। क्लास ए के अंदर जो डोनर एटम हो सकते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, और क्लास बी के अंदर जो आपके पास डोनर एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास ए के कंपैरिजन में क्या मिलेगी, लो मिलेगी। नाउ देखिए हम स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, वी विल सी अबाउट द स्टेबिलिटी, कि यदि हमारे पास जो मेटल क्लास दे रखी है, ठीक है, हमारे पास किस जो डोनर एटम दिए हुए हैं वो किस तरह से क्लास ए टाइप के मेटल एटम किस तरह से क्लास बी टाइप के मेटल एटम से जो है बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यह हम पहले हम देखेंगे टेंडेंसी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद क्लास ए टाइप विद क्लास ए टाइप के साथ, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या था, आपके पास था कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो थे वो क्या करते हैं, क्लास ए के टाइप के साथ अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, अच्छे खासे डोनर एटम्स हैं, ठीक है। यदि हम इनकी फैमिलीज ले लें कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है एंड क्या है आपके पास, एंटीमनी है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है और क्या है, टेलेनियम है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन दे रखा है। तो उस केस में आपके पास बॉन्डिंग जो होगी वो किसके केस में ज्यादा होगी और किसके केस में कम होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा। तो हमने क्या कहा था, क्लास ए के साथ जो बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है वो डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे जो थे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स थे उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। उसके बाद जो आएगी वो बची हुई जितने भी आपके पास है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो आपके पास बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ देखते हैं क्लास बी के साथ कि क्लास बी के साथ टेंडेंसी क्या रहेगी, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद क्लास, अब क्लास क्या है आपके पास, क्लास बी टाइप, ठीक है, बी टाइप के साथ, ओके। तो आपके पास यही एटम्स यदि प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास यहाँ प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ओके, यहाँ आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है एंड देन टेलेनियम है, देन आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये ट्रेंड है। तो देखिए जब हम हैलोजन्स के केस में देखते हैं ना, हैलोजन्स के केस में देखेंगे तो हमने क्या कहा था भी, क्लास बी के साथ जो आपके पास डोनर एटम आते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
कम होती है, ठीक है। तो हेलोजन्स के केस में तो जनरल ट्रेंड्स क्या आएगा, जिसकी जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतने ही अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्लास बी के साथ मीन्स आयोडीन सबसे अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करेगा, देन ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फिर फ्लोरिन्स, ठीक है, हो गया। लेकिन आपके पास यहाँ जब आप बात करते हो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के केस में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास एस बी ने या टी ई ने अच्छे से बॉन्ड बनाया है। सबसे अच्छे से बॉन्ड यहाँ पर कौन फॉर्म करता है? फॉस्फोरस, ऐसे ही सल्फर, ठीक है। और इसी तरह से ये क्या करते हैं भाई, ज्यादा अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड फॉर्म करता है क्लास बी के साथ, ठीक है। इसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बढ़िया ढंग से बॉन्ड फॉर्म करेगा क्लास बी के टाइप, ठीक है। इसी तरह से जो आर्सेनिक होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी वो एंटीमनी से अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ पर जो सिलीनियम और टेलीनियम है उनकी कैपेसिटी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल सी है कि वो क्लास बी टाइप्स के मेटल आयन के साथ क्या कर सके, अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी की, ठीक है, कि हमने क्या कहा है कि क्लास ए के साथ कौन अच्छे से बॉन्डिंग करता है और क्लास बी के साथ कौन बॉन्डिंग करता है। तो देखिए मैंने कहा कि क्लास ए के साथ जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्लास ए के साथ बॉन्डिंग किसकी अच्छी होती है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, ठीक है। तो यदि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, यदि मैंने यहाँ पर अमोनिया लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अमीन ली, R3N ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर वाटर लिया या मैंने यहाँ पर फ्लोराइड आयन लिया, ठीक है। यदि मुझे इनकी बॉन्डिंग करनी है किसके साथ, यदि मुझे इनकी बॉन्डिंग करनी है फर्स्ट क्लास ए टाइप ऑफ मेटल आयन के साथ, क्लास ए टाइप ऑफ मेटल आयन के अंदर आपने बोला था कि मेटल एटम होते हैं लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं, अल्कली मेटल हो सकते हैं, अल्कलाइन मेटल्स हो सकते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई हो। तो इसी तरह से जब मैं टाइटेनियम 4 के साथ इनकी बॉन्डिंग करूँ तो अच्छे से बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से आयरन भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्मॉलर है इनकी, इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही कोबाल्ट +3 की होती है, और यदि मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम की बात करूँ तो वो अच्छे से बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। इसी तरह से आप लिथियम की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास अल्कली मेटल्स का होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफी प्रिफरेंशियल बॉन्डिंग होगी, काफी प्रिफर की जाएगी, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप के अंदर यदि मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, भी फोस्फीन है, Pr3 है, ठीक है। दूसरा मैं यदि थायोइथर्स की बात करूं तो आपके पास क्या है, R2S है, और यदि मैं आयोडीन की बात करूं तो क्या है, I- है। यदि मुझे इनकी बॉन्डिंग शो करनी है तो इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छे से हो सकती है, किसके साथ हो सकती है भाई, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स जो क्लास बी के अंदर हमने रखे थे। क्यों रखा था, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स लाइक आपके पास प्लेटेनियम 2 पॉजिटिव है, प्लेडिनम 2 पॉजिटिव है, या आप इसके अंदर लग लेते थे मरकरी ले लेते थे, या फिर आपने ये कहा था कि भाई इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एजी पॉजिटिव के साथ ही अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर बताया कि प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग कब होगी, जैसे मैंने कहा था कि यहां पर क्लास ए के अंदर जो डोनर एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, वो अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। ये क्या, कौन सी क्लास है भाई, ये है आपके पास क्लास ए, दिस वन इज क्लास ए टाइप ऑफ मेटल आयन, क्लास ए मेटल आयन है। इसी तरह से ये क्या है भाई आपके पास, क्लास बी मेटल आयन है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है पी आर थ्री जो है, दिस इज अ Pr3, ये आपके पास सल्फर, आयोडीन, ये किस में आते थे आपके पास, क्लास बी ऑफ लीगेंड्स। ये क्या है आपके पास, ये सारे के सारे क्या है, क्लास बी ऑफ लीगेंड, दीज आर क्लास बी ऑफ लीगेंड्स, ओके। और जो ऊपर आपके पास गिवन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है आपके पास, क्लास ए टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ए टाइप के जो लिगेंड होंगे वो ए टाइप के ही मेटल आइटम के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, बी टाइप के जो लिगेंड है वो बी टाइप के ही मेटल आइटम से बॉन्डिंग कर रहे हैं। नाउ देखिए जो आपने यहाँ एग्जांपल्स देखे उसके अंदर आपने कहा कि ए टाइप का जो लिगेंड है वो ए टाइप के ही मेटल एटम से बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, और बी टाइप का जो है वो क्या कर रहा है, बी टाइप्स के साथ ही क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों था, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पियर्सन थे उन्होंने 1963 के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस टू टर्म्स, उन्होंने दो टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस की। एक टर्म उन्होंने कहा कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है हार्ड
हार्ड टर्म इसने यूज की और दूसरी टर्म इन्होंने यूज की सॉफ्ट, ठीक है। ये दोनों टर्म उन्होंने यूज की, किस किस के लिए यूज की ये टर्म्स उन्होंने कहा। हार्ड तो क्या होते हैं भाई, हार्ड यूज की उन्होंने क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए, और जो सॉफ्ट टर्म उन्होंने यूज की वो की क्लास बी के लिए, ठीक है। हार्ड टर्म चाहे वो मेटल है या लिगेंड है, बी टर्म चाहे वो मेटल है या लिगेंड है, तो बी को सॉफ्ट बोल दिया और ए को क्या बोल दिया इन्होंने, हार्ड बोल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो क्लास ए टाइप के जो मेटल एटम है ना, यही तो कहा, क्लास ए टाइप के जो मेटल एटम है, क्लास ए टाइप के जो मेटल एटम है उनको तो इन्होंने क्या कह दिया, उनको इन्होंने कहा कि वो क्या है आपके पास, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्लास बी टाइप के जो मेटल एटम है वो क्या है भाई आपके पास, सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। मेटल एटम एसिड होते हैं, इन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड को यहां से जो है ए टर्म उनको इनके लिए दे दी। सेम इसी तरह से उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है, सेम इसी टर्म से उन्होंने कहा कि यदि आपके पास क्लास क्लास ए टाइप का यदि लिगेंड है, क्लास ए टाइप लिगेंड है, ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दिया हार्ड बेस। क्या नाम दिया, हार्ड बेस। एंड इसी तरह से क्लास बी टाइप का जो लिगेंड है उसको उन्होंने नाम दिया सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस जो है उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। मतलब सीधी सी बात ये थी कि उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो मेटल थे और जो लिगेंड थे, ठीक है, क्लास ए और क्लास बी के, उनको क्या कर दिया, दो अलग अलग नाम दे दिए हैं। और दोनों नाम क्या है भाई, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, एक नाम क्या है हार्ड एसिड, दूसरा नाम क्या है भाई आपके पास, सॉफ्ट एसिड। इसी तरह से लिगेंड को उन्होंने बोला क्या है आपके पास, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। ये दो नाम उन्होंने दिए। हार्ड एसिड के अंदर उन्होंने रखा ए टाइप के मेटल एटम और सॉफ्ट के अंदर रखा बी टाइप के मेटल एटम। हार्ड बेस के अंदर उन्होंने रखा ए टाइप के लिगेंड्स और बेस के अंदर रखा उन्होंने, सॉफ्ट बेस के अंदर रखा जो आपके पास बी टाइप के लिगेंड्स है उनको, ठीक है। तो इन्होंने ये दो टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, जो हम मेटल जो हम क्लास ए और क्लास बी बोल रहे थे उसको पियर्सन ने क्या बोल दिया, हार्ड एंड सॉफ्ट। नाउ पियर्सन ने जिन एसिड्स और बेस एसिड्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ हार्ड एसिड क्या रहेगा, हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकेंड साइड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सॉफ्ट एसिड, एक साइड हम हार्ड एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और दूसरी साइड हम देखेंगे सॉफ्ट एसिड के कैरेक्टर्स। तो देखिए जहां आप हार्ड एसिड का डिस्कशन करेंगे तो हार्ड एसिड आपके पास मेनली कौन से एसिड्स रहेंगे जिसके अंदर जो कैटायन की साइज है वो क्या मिले आपके पास, स्मॉल मिले, ठीक है। तो हम इसके लिए बोलेंगे दे आर कैटायंस, दे आर कैटायंस विद स्मॉल साइज, विद स्मॉल साइज कैटायंस रहेंगे विद स्मॉल साइज, ठीक है। यहाँ पर कैटायन की साइज क्या मिलती है, स्मॉल मिलती है। दूसरी साइड जो है आपके पास दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैटायन की साइज होती है, क्योंकि दोनों ही एसिड है तो मिलेंगे दोनों के अंदर कैटायंस ही, लेकिन एक के केस में जो है कैटायन की साइज बड़ी है और दूसरे के केस में कैटायन की साइज छोटी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉफ्ट होते हैं दे आर कैटायंस ऑफ लार्ज साइज, ठीक है, इनके कैटायन की साइज क्या मिलेगी आपके पास, लार्ज मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो है आपके पास, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके पास हार्ड एसिड का इज दैट दे एग्जिबिट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लास ए टाइप थी तो दे एग्जिबिट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई
ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यदि बात की जाए सॉफ्ट एसिड के केस में, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? जीरो, या हम कह सकते हैं लो ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि द कैटायंस, द कैटायंस यूजुअली हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो, और वी कैन से लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन मिलेगी या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलती है। नाउ यदि बात की जाए हार्ड के केस में, तो यहाँ पर क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर आपको इजीली नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर नहीं मिलेंगे, इसीलिए उनका डिस्टोर्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दे पोजेज इज नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं है, विच आर नॉट इजिली डिस्टॉर्टेड और रिमूव्ड, ना तो उनको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है डिस्टॉर्टेड, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, रिमूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो साइज छोटी होने की वजह से जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, और ज्यादा चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल वहां से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल डिस्टोर्शन या रिमूवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए आपके पास सॉफ्ट एसिड के केस में, तो उनके पास क्या होता है, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड होंगे, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड, एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड, आप उनको इजिली क्या कर सकते हो, रिमूव्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वही क्लास ए टाइप है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं दे इंक्लूड क्या क्या आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर आए थे आपके पास एल्कली मेटल। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या थे भाई आपके पास, एल्कली मेटल्स थे, इसके अंदर एल्कलाइन मेटल्स थे, एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स थे। ठीक है, और थर्ड इसके अंदर क्या थे भाई, लाइटर एंड हाईली चार्ज्ड आयंस थे, लेंथेनाइड आयंस, सॉरी हाईली ट्रांजिशन आयंस। ठीक है, तो लाइटर एंड मोर हाईली चार्ज, लाइटर एंड मोर हाईली चार्ज ट्रांजिशन मेटल्स इसके केस में जो थे आपके पास प्रेजेंट होते थे। ठीक है, बात की जाए आपके पास सॉफ्ट एसिड के केसेस की, तो सॉफ्ट एसिड के केस में क्या थे आपके पास, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स आते थे, तो हम बोल सकते हैं दे इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड था इसके अंदर, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स थे विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए पियर्सन ने कुछ भी नहीं किया, उसने क्लास ए टाइप को हार्ड बोल दिया, क्लास बी को क्या बोल दिया, सॉफ्ट बोल दिया। अब क्लास ए के जो भी आपके पास, जैसे हमने कहा कि उसके अंदर अल्कली है, अल्कलाइन है, लाइटर एलिमेंट्स है ट्रांजिशन मेटल्स के, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं साइज में क्या होते हैं, उनके कटायन यदि फॉर्म होते तो साइज में स्मॉल होते हैं, इनके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए क्लास ए के अंदर। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की साइड वैलेंस शेल में आपको फ्रीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से आप उनको डिस्टॉर्ड या रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन क्लास बी टाइप के अंदर जब हमने कहा कि इसके अंदर क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस हैवियर है तो वो लार्ज है, तो लार्ज होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो कटायन फॉर्म होंगे वो क्या मिलेंगे आपके पास, कटायन आपके पास यहां पर क्या मिलते हैं, यहाँ आपके कटायंस लार्ज साइज के मिलते हैं। ठीक है, जनरली हमने कहा कि लो विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, या आप कह सकते हो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, या प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, सॉरी इजिली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि चार्ज कम है, साइज बड़ी है, तो इजिली आप वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल शो कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पियर्सन ने क्लास ए दैट इज हार्ड एसिड के लिए बोले, और सॉफ्ट एसिड के लिए इन्होंने जो है डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है,
यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई एक शार्प लाइन डिमोक्रेशंस नहीं है, ठीक है। कि आपने ये डिमाइंड कर दिया, कि आपने ये यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि हमारे पास ये हार्ड स्पीसीज एंड ये सॉफ्ट स्पीसीज है, ठीक है। कुछ बॉर्डर लाइन स्पीसीज भी एग्जिस्ट करती है जो ना ही ज्यादा हार्ड होती है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो वी कैन राइट हियर दैट देयर इज नो शार्प लाइन, देयर इज नो शार्प लाइन, देयर इज नो शार्प लाइन डिमार्केशंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड स्पीसीज, बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड स्पीसीज। कोई आपके पास एक शार्प लाइन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आपको नहीं मिला है। दैट्स वाई अ नंबर ऑफ मोलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो बॉर्डर लाइन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है, जो बॉर्डर पे बैठा हो, ठीक है, ना ही हार्ड हो ना ही सॉफ्ट हो। बॉर्डर लाइन केसेस ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो ना ही क्या होंगे आपके पास, विच आर नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, ना ही जो ना ही तो आपके पास क्या है, ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी जो साइज होगी, जो बॉर्डर लाइन है उनकी साइज, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, जो उनकी पोलराइजिबिलिटी है, जिबिलिटी जो भी है वो कहाँ पे आएगी भाई, उनकी साइज ना ही तो ज्यादा लार्जर होगी ना ही ज्यादा स्मॉलर होगी। आर नाइदर मोर नॉर लेस, ठीक है, ना ही कम होगी और ना ही ज्यादा आपके पास होगी। नाउ देखिए, हम क्लासिफाई जो हमने क्लासिफिकेशन किया है हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डरलाइन एसिड, उसके अंदर कौन कौन से जो है आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो हार्ड एसिड है उसके अंदर आता है एच पॉजिटिव, ठीक है, आपके पास क्या आता है, एच पॉजिटिव आता है, लिथियम आता है, सोडियम पोटाशियम, एल्कली मेटल्स हो गए, देन उसके बाद एल्कलाइन मेटल्स लाइक बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे ही एल्यूमिनियम वाले फैमिलीज आ जाती है। उसके बाद जो आपके पास लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स है वो इसके अंदर आते हैं, लाइक आपके पास सिलिकॉन, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमेनियम, ये सभी जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी सबसे ज्यादा शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं बोरोन फैमिली के मेंबर्स, बोरोन, क्लोरीन, जब ये हैलाइड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं लाइक BF3, BCl3, AlCl3, AlS3 एंड AlCS2, ठीक है। देन आपके पास SO3, RSO2 पॉजिटिव, क्लोरीन जो है देखो +3 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ऐसे आयोडीन +5 और आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, ठीक है। तो हमने जो क्लास ए के टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसी टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या बोला था, सॉरी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, वो उनकी साइज स्मॉल होती है कटायंस की, ठीक है, साइज ऑफ कटायंस स्मॉल मिलेगी आपके पास, साथ ही साथ उनके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ठीक है। तो ये सारे हार्ड एसिड के अंदर आते हैं। इसी तरह से आप सॉफ्ट बेसिस को देखो, सॉफ्ट एसिड को देखोगे, सॉफ्ट एसिड के अंदर जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सभी जो है देखो इसमें क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स देखो लाइक प्लेटिनम, प्लेटिनम गोल्ड, इसमें गोल्ड, गोल्ड नहीं, इसमें सिल्वर मर्करी आती है, ठीक है, प्लेटिनम आ गया, कैडमियम आ गया, ये सभी क्या होंगे आपके पास, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, आयोडीन Br2 ICN ये भी क्या है आपके पास, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयोडीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर रखी है। ऐसे ही CH2 और कार्बिन्स क्या है भाई आपके पास, सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। नाउ टर्म आती है आपके पास बॉर्डरलाइन एसिड्स के केसेस के अंदर, तो जो कि बॉर्डरलाइन के केसेस में हमने कहा है कि ना ही ये ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है, तो इसके केसेस में ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा मिलेगी ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल कम मिलेगी। तो इसके अंदर आपके पास है Iron2+, Cobalt2+, Nickel2+, Copper2+, देन Zinc2+, Sp2+, Bismuth3+, Na+, SO2, BCS3 thrice एंड फिर गैलियम आता है, रोडियम, इरिडियम
और रोडियम SN2P भी। देखिए यहाँ पर स्मॉलर एटम भी है और हैवियर एटम भी है, दोनों के बीच का जो है आपके पास यदि आता है तो आप उसको बोल देते हो दैट दीज आर द बॉर्डर लाइन एसिड्स। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद रख के भी इन सभी एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। यस, जैसे एसिड को क्लासिफाई किया गया वैसे ही बेस को भी क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स के अंदर। ठीक है, वन क्या थी आपके पास सॉफ्ट एंड अनदर वन क्या थी आपके पास हार्ड। ठीक है, तो इनके करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। एक साइड हम लिखते हैं कि आपके पास क्या है, हार्ड लुईस बेस है, हार्ड लुईस बेस का डिस्कशन हम करेंगे। ओके, और सेकेंड साइड हम डिस्कशन करेंगे सॉफ्ट लुईस बेस। ठीक है, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो आपके पास हार्ड लुईस बेस होते हैं ना, हार्ड लुईस बेस होते हैं, इनके अंदर जो भी डोनर एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये पियर्सन ने बोल दिया हार्ड बेस के लिए, दैट इज दे कंटेन डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन सॉफ्ट के लिए क्या हो गया, सॉफ्ट के लिए उन्होंने बोला कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डोनर एटम की वो क्या है भाई आपके पास कम है, तो इसके लिए उन्होंने बोला दे कंटेन डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहेगी, और दूसरे केस में क्या है आपके पास जिसमें हार्ड है उस केस में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिलेगी आपको, हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ सेकंड जो आपके पास डिफरेंस है वो क्या है, देखिए सेकंड डिफरेंस यदि बात की जाए तो जो हार्ड बेस होते हैं ना उनके डोनर एटम्स क्या है भाई, हार्ड पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, डोनर एटम इज ऑफ हार्ड पोलराइजेबिलिटी, हियर डोनर एटम इज ऑफ हार्ड पोलराइजेबिलिटी, हार्ड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, बिलिटी। नाउ सेकंड केस का यदि डिस्कशन किया जाए सॉफ्ट का केसेस का, तो सॉफ्ट के केस में जो डोनर एटम्स होते हैं वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, इसके केस में तो इजीली पोलराइज नहीं हो रहे हैं हार्ड के केस में, लेकिन सॉफ्ट के केस में दे आर इजीली पोलराइज। दिस मे वी कैन हैव राइट हियर दैट दीज हैव डोनर एटम्स, दीज हैव डोनर एटम्स विच आर इजीली पोलराइज्ड, विच आर इजिली पोलराइज्ड। जो इजिली पोलराइज हो जाते हैं वो क्या होते हैं भाई आपके पास, वो होते हैं सॉफ्ट बेस। ठीक है, वो क्या होंगे, सॉफ्ट बेस आपके पास कहलाएंगे। थर्ड जो है आपके पास कि यहाँ पर जो हार्ड बेस होते हैं उनको इजिली ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हार्ड बेस कांट बी आर नॉट इजिली पोलराइज, आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज आप बोल सकते हो, आर नॉट इजिली ऑक्सीडेशन इनका इजिली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सॉफ्ट बेसिस को आप इजिली क्या कर सकते हो, सॉफ्ट बेसिस आर इजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है, सॉफ्ट बेसिस को ऑक्सीडाइज करना इजी है बजाय कि हार्ड के। ठीक है, देन इनके अंदर जो आपके पास बेस होते हैं, ठीक है, दे हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, दे हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनके ऑर्बिटल्स भरे हुए होते हैं, फुल होते हैं, और जो आपके पास सॉफ्ट होते हैं उनके ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एम्पटी होंगे, दे हैव एम्पटी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी
ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। इसी तरह से यदि बात की जाए भार बेस की, तो वो स्ट्रोंगली बाइंड करता है प्रोटॉन के साथ, इट स्ट्रोंगली बाइंड टू प्रोटॉन, बाइंड टू प्रोटॉन, ये स्ट्रोंगली बाइंड करेगा प्रोटॉन के साथ, जबकि जो आपके पास सॉफ्ट बेस है वो क्या करेगा, दे डू नॉट स्ट्रोंगली बाइंड टू प्रोटॉन्स, दे डू नॉट स्ट्रोंगली बाइंड टू प्रोटॉन, बाइंड टू प्रोटॉन, ठीक है। तो जो पियर्सन थे उन्होंने बेसिस को भी क्या कर दिया भाई, बेसिस को भी डिफाइन किया कि बेस जो होते हैं वो फर्दर क्या टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। क्या बोला उन्होंने, एक हार्ड बेस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। हार्ड बेस के केसेस में कहा कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डोनर एटम की, उनके डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, उनको पोलराइज करना थोड़ा हार्ड होता है, उनको इजीली हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इनके अंदर फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं एंड वो स्ट्रोंगली बाइंड करते हैं किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब आती है लो सॉफ्ट बेसिस की, तो सॉफ्ट बेसिस के अंदर बोला गया कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डोनर एटम की दैट इज ऑफ लो एंड इनको पोलराइज करना भी ईजी है, ओके और ये क्या करते हैं भाई, इजीली ऑक्सीडाइज भी इनको किया जा सकता है, इसके अंदर एम्पैटी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं एंड दे डू नॉट स्ट्रॉन्गली बाइंड टू प्रोटॉन, वो स्ट्रॉन्गली अच्छे से बॉन्डिंग जो है प्रोटॉन के साथ शो नहीं करते सॉफ्ट बेस। नाउ अब देखते हैं बॉर्डर लाइन क्या होते हैं। Now, जैसे आपके पास एसिड्स के केसेस में था कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड थे और उनके बीच में एक बॉर्डर लाइन एसिड्स भी जो थे वो लाई करते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास क्या होते हैं भाई, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं, बॉर्डर लाइन क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये बॉर्डर लाइन बेस क्या करते हैं भाई, इनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज जो रहेंगी, प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, मतलब अब इनके अंदर जो है ये भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड बेस हो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज लाइक करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड बेस के बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपके पास लाइक मैं बात करूं Br नेगेटिव, ठीक है, ये ना ही तो आपके पास हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास N2 है, NO3, NO2 नेगेटिव है, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, आपके पास CO है या आपके पास RnC है, ठीक है, C6H5, C6H5, NH2 है, ये सभी के सभी आपके पास बॉर्डर लाइन बेस होते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं। हम देखते हैं आपके पास और एग्जाम्पल्स ऐसे हार्ड बेस, हार्ड सॉरी सॉफ्ट बेस एंड बॉर्डर लाइन बेसिस। ये स्टूडेंट्स, तो करेक्ट, जो आपके पास हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डरलाइन बेसिस है वो कौन कौन से हैं। हार्ड बेसिस के केसेस में आपने कहा है कि या तो नाइट्रोजन डोनर मिलेगा, नाइट्रोजन डोनर है, या आपके पास ऑक्सीजन डोनर है, तो देखिए ऑक्सीजन डोनर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास क्या होंगे भाई, यहाँ पर फ्लोरीन या क्लोरीन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन क्लोरीन डोनर, तो दे आर द हार्ड बेस। उसी के अकॉर्डिंग जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है, अमीन के अंदर नाइट्रोजन डोनर है, N2H4 के अंदर नाइट्रोजन डोनर है, वाटर के अंदर भी नाइट्रोजन डोनर है, OH नेगेटिव के अंदर भी ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, सभी के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन जो डोनर है वो हार्ड बेस है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप सॉफ्ट बेसिस की बात करते हो, तो सॉफ्ट बेसिस के केसेस में आपके पास क्या होता था, जो डोनर एटम होता था वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था, ठीक है, दो जो आपके पास डोनर एटम था वो लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो था वो शो करता था, ओके, और उसी तरह से वो क्या दिखाता था, उनको ऑक्सीडाइज करना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते थे और इनके ऑर्बिटल्स क्या होते थे भाई, आपके पास एम्पैटी होते थे, ठीक है। तो एच नेगेटिव, आर नेगेटिव, C2H4, C6H5 एंड RSH, R2S, RS नेगेटिव, CN नेगेटिव, H2O3, SCN, PR3, R3As एंड आयोडीन नेगेटिव जो है वो सभी सॉफ्ट बेसिस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। बॉर्डरलाइन की बात की जाए तो ये आपके पास होते हैं C6H5NS2, C5H5 नाइट्रोजन एंड N2, N3, NO2। अब ये जो बॉर्डरलाइन है इनकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो हार्ड और सॉफ्ट के बीच में लाई करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बॉर्डरलाइन बेसिस, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आपने करेक्टरिस्टिक्स याद किए हैं तो आप इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट बेस
बेस है या कौन सा बोर्डरलाइन बेस है। नाउ देखिए, हमें ये पता चल गया कि हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, सॉफ्ट हार्ड बेस क्या है, बोर्डरलाइन एसिड बेस क्या है, वो हमने जो है पियर्सन ने उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब एचएसएबी प्रिंसिपल क्या था? एचएसएबी प्रिंसिपल जो किसने दिया, पियर्सन ने दिया, वो क्या था? या आप इसको बोल सकते हैं पियर्सन्स प्रिंसिपल, पियर्सन्स एचएसएबी प्रिंसिपल, एचएसएबी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए एचएसएबी का मतलब यहाँ पर क्या है, एस मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे हार्ड, एस मीन्स आपके पास क्या है सॉफ्ट, ए मीन्स यहाँ पर टर्म हमने यूज की है फॉर एसिड, और बी वर टर्म जो हमने यहाँ पे यूज की है दैट इज फॉर बेस। ठीक है, तो जो आपके पास पियर्सन्स थे उन्होंने हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया कि बॉन्डिंग कब प्रेफर करती है और बॉन्डिंग कब प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर दैट पियर्सन प्रपोज ए सिंगल रूल, एक सिंपल सा रूल उन्होंने प्रपोज किया था, पियर्सन प्रपोज्ड ए सिंगल सिंपल रूल, ए सिंपल रोल किसके लिए किया, फॉर प्रेडिकेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, प्रेडिकेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड एंड बेस। ठीक है, हमने कहा कि एसिड और बेस से मिलकर आपके पास कोई एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। लाइक मैंने कहा था कि आपके पास कोई एसिड ए है और बेस भी है, दोनों मिलकर क्या करते हैं भाई, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं ए बी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन ने क्या किया है, एक रूल दिया है, और उसी रूल को क्या बोला जाता है, एचएसएबी प्रिंसिपल बोला जाता है। इस रूल को हम क्या बोलेंगे, एचएसएबी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो है प्रिंसिपल, या आप इसको रूल कह सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो हार्ड एसिड होता है वो प्रीफर करता है बॉन्डिंग करना किसके साथ, हार्ड ही बेस के साथ। ऐसे ही जो सॉफ्ट बेस होता है वो प्रीफर करता है कि वो सॉफ्ट एसिड के साथ ही बॉन्डिंग करे। सो वी कैन राइट हियर दैट हार्ड एसिड प्रीफर टू बाउंड टू हार्ड बेस। ठीक है, दोनों के केस में क्या है भी, आपके पास हार्ड एसिड जो है, ठीक है, क्या है आपके पास हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ ही जो है बॉन्डिंग करना प्रीफर करता है, एंड सेकेंड टर्म उन्होंने क्या बोली है, एंड सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू बाउंड विद सॉफ्ट बेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने यहां पर यदि कंक्लूजन हम इसका निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हार्ड बेस के साथ, और सॉफ्ट एसिड जो है क्या है आपके पास, सॉफ्ट एसिड की बॉन्डिंग अच्छी किसके साथ होगी, सॉफ्ट बेस के साथ। ये पियर्सन ने अपने रूल के अकॉर्डिंग कहा कि यदि आपके पास कोई भी एसिड या बेस किसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास जो एसिड और बेस है उनका नेचर कैसा है, वेदर दे बोथ आर हार्ड और बोथ आर सॉफ्ट। यदि वो दोनों के दोनों हार्ड है और दोनों के दोनों सॉफ्ट है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बेटर बनता है, यदि इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। यस, पियर्सन प्रिंसिपल के बाद, पियर्सन प्रिंसिपल की आपको डेफिनेशन पता चल गई है, उसका रूल जो था वो आपको पता चल गया है हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल का। तो अब जो है हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल
हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अब हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल के जो है एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हम इसके प्रिंसिपल में पहले राइट डाउन कर देती हूँ कि हम क्या क्या इसके अंदर स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रेडिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेडिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन को, प्रेडिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रेडिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड्स, जो एमिनेंट लिगेंड्स हैं उनके अंदर जो है किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है, उसमें एचएसबी ने कैसे एक्सप्लेन किया उसे, ठीक है। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन करने में एचएसबी का क्या एप्लीकेशन पार्ट आया है, ठीक है। देन आता है अकरेंस ऑफ और अकरेंस ऑफ, और देन हम डिस्कस करेंगे पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, ये सभी पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। एचएसएबी का क्या रोल था इन सभी को एक्सप्लेन करने में। फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए पियर्सन ने क्या बताया है कि जब भी कोई मेटल किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमने कहा कि आपके पास ए क्या है, कोई एक लुईस एसिड है, वो क्या कर रहा है भाई, किसी लुईस बेस के साथ, लुईस बेस के साथ बॉन्डिंग करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब पियर्सन ने ये बताया कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल कब रहेगा। इसके स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने बताया कि यदि आपके पास यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि हार्ड हार्ड एसिड हो, हार्ड एसिड हो, ठीक है, और हार्ड ही बेस ने यदि इंटरेक्शन किया हो, जो इसका प्रिंसिपल है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ड एसिड है इसका और हार्ड ही बेस है तो कॉम्प्लेक्स बढ़िया है, ठीक है, स्टेबल है। और यदि आपके पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है प्लस में क्या कहें हम, सॉफ्ट ही आपके पास बेस है, तो भी आपके पास ये कंडीशन सही है। आपके पास यदि इस तरह की कंडीशन आती है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहता है। इसके अलावा यदि क्या हो जाता है, इसके अलावा यदि आपके पास क्या हो जाता है, हार्ड एसिड आ गया सपोज कीजिए, ठीक है, उसने बॉन्डिंग कर ली सॉफ्ट बेस के साथ, या आप इसका उल्टा कर दीजिए कि आपके पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है और उसने बॉन्डिंग की है आपके पास हार्ड बेस के साथ, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी, मतलब आपके पास हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन मिले ना कि हार्ड हार्ड का, तो वो इंटरेक्शन क्या मिलेगा, आपके पास वीक मिलता है, कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल उस केस में आपको मिलता है। तो यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा, और जो फर्स्ट केस था उसके केस में आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि यदि हमारे पास एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, मैंने क्या किया, AZI2 एक कॉम्प्लेक्स देखा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्टेबल है या नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। दूसरा मैं देखती हूँ AZF2 नेगेटिव, ठीक है, ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, मुझे इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो देखिए एजी के ऊपर यहाँ चार्ज क्या है, एजी के ऊपर यहाँ चार्ज है प्लस वन चार्ज है, आयोडीन कितने हैं आपके पास, 2 है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से मैं सेकेंड केस में देखूँ तो एजी के ऊपर प्लस वन चार्ज है और आपके पास 2 फ्लोरीन एटम यहाँ प्रेजेंट है। नाउ यहाँ आप इसको देख के क्या बताते हो कि आपके पास एसिड क्या है, एजी है दोनों केसेस में, एनायन क्या है, दोनों में हैलोजन्स है। नाउ एजी पॉजिटिव आपके पास
हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि कैटायन छोटा हो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, या आपके पास क्या हो कैटायन लार्ज हो उसके ऊपर चार्ज क्या हो कम हो। तो देखिए यहाँ पर प्लस वन चार्ज है, कम चार्ज है, और ये जो एजी होता है इसकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, थोड़ी सीरीज से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, हम बोलेंगे कि एजी तो क्या है आपके पास भाई, सॉफ्ट एसिड है। तो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, ये तो सॉफ्ट एसिड ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, आयोडीन है, आयोडीन क्या होता है साइज में लार्जर होता है, इस पे भी चार्ज कम है, तो ये भी क्या है आपके पास भाई, सॉफ्ट बेस है, डोनर है। और इस केस में ये क्या है भाई, फ्लोरीन, क्योंकि आपने पढ़ा था फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। ठीक है, अब यदि इंटरेक्शन की बात की जाए, अब यदि इंटरेक्शन की बात की जाए किसके केस में, एजी टू आई और एजी टू एफ के बीच में, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ है एजी टू आई का, वो क्या है भाई आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया, फर्स्ट केस में क्या है सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट इंटरेक्शन, दूसरे में क्या है सॉफ्ट प्लस हार्ड इंटरेक्शन, जो कि फेवरेबल नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर प्रेफर्ड देन सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक आपके पास क्या है CO F6 और आपके पास चार्ज दिया है -3, दूसरा मैं कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ CO और आपके पास है I6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -3। तो दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, देखो दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, जो कोबाल्ट है वो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 6 -3 = +3। ठीक है, अब ये देखिए कोबाल्ट जो है वो आपके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस मीन्स ये क्या है भी आपके पास हार्ड एसिड है, दिस इज हार्ड एसिड, ये क्या है हार्ड एसिड है। तो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, ये तो हार्ड ही है, बोथ द केसेस इट इज हार्ड, इन बोथ द केसेस कोबाल्ट 3 इज हार्ड एसिड। ठीक है, नाउ दूसरे जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर क्या है -1 चार्ज होता है, 3 फ्लोरीन यहाँ पर है, ऐसे ही आयोडीन भी क्या है आपके पास भाई, 6 आयोडीन दे रखे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ देखिए जब फ्लोरीन का केस लेके चलते हैं, तो फ्लोरीन के केस में हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन क्या है आपके पास हार्ड बेस होता है, दिस इज ए हार्ड बेस, दिस इज ए हार्ड बेस, और आयोडीन क्या होता है भाई आपके पास वीक बेस बोल सकते हो आप, या फिर इसको बोल सकते हो सॉफ्ट बेस, वीक नहीं बोलेंगे क्योंकि पियर्सन ने सॉफ्ट और हार्ड का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने दो टर्म यूज की थी सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इंटरेक्शन यदि इस केस में देखी जाए, इस केस में इंटरेक्शन की देखी जाए तो क्या है आपके पास हार्ड एसिड किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हार्ड बेस के साथ, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है जो क्या होगी मोर फेवरेबल है, मोर फेवरेबल है, यदि मोर फेवरेबल है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जो CO F6 3 नेगेटिव है दैट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन आपके पास हुई है। दूसरे केस में आपने देखा कि आपके पास क्या आया है भाई, हार्ड एसिड था CO3, हार्ड एसिड था, किसके साथ बॉन्ड कर रखा है इसने, सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, यदि सॉफ्ट बॉन्ड के सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्डिंग की है तो इसका मतलब यहाँ तो ये क्या है लेस फेवरेबल कंडीशन आ गई, क्योंकि हार्ड सॉफ्ट HS का कॉम्बिनेशन नहीं है, HH का या SS का कॉम्बिनेशन था, तो ये क्या हो गया लेस फेवरेबल हो गया है, यदि लेस फेवरेबल हो गया है इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स CO I6 वो क्या है भी आपके पास लेस स्टेबल है, कम स्टेबल यहाँ पर है। ठीक है, नाउ रिएक्शंस देख लेते हैं हम कि आपके पास क्या है, लिथियम आयोडाइड है, लिथियम आयोडाइड है और उसकी रिएक्शन आपके पास हो रही है किसके साथ, सीजियम फ्लोराइड के साथ, सीजियम फ्लोराइड के साथ, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप देखिए लिथियम क्या है भाई आपके पास अल्कली मेटल है, आयोडीन क्या है भाई आपके पास बेस है। ठीक है, तो आयोडीन साइज में लार्ज होता है, तो इसलिए साइज की वजह से, लार्ज साइज की वजह से ये क्या हो गया सॉफ्ट बेस हो गया। ठीक है, लिथियम क्योंकि अल्कली मेटल से है, क्लास ए टाइप से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया भाई आपके पास हार्ड एसिड हो गया,
ठीक है, सीजियम साइज में बड़ा हो गया, और फ्लोरीन क्या है अभी आपके पास, साइज में छोटा है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, हार्ड बेस हो गया है। ओके, और सीजियम क्या है अभी आपके पास, सॉफ्ट एसिड है। यही कंडीशंस हैं, तो ये आपके पास क्या है, सीजियम क्या है, सॉफ्ट बेस है, सॉरी एसिड है। नाउ जब ये फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड की, तो आपके पास किस किस की फॉर्मेशन होगी, हार्ड हार्ड की, मतलब यहाँ पर हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बॉन्डिंग करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा आपके पास, लिथियम जो है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, फ्लोराइड के साथ, लिथियम फ्लोराइड प्लस में आपके पास क्या आ जाता है भाई, आपके पास आता है सीजियम एंड आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड जो है आपके पास यहाँ फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्म हुआ, लिथियम फ्लोराइड एंड, लिथियम फ्लोराइड एंड दूसरा क्या है, सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास देखिए, दोनों क्या है, हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन बेटर इंट्रेक्शन, ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन बेटर इंट्रेक्शन। तो इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। वन मोर एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि आपके पास क्या है, कॉपर आयोडाइड है, CuI2। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी कॉपर फ्लोराइड के साथ, टू मो जो कॉपर फ्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, कॉपर क्या है भी आपके पास, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर। ठीक है, और आयोडीन क्या है भी आपके पास, बेस है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, सॉफ्ट बेस, सभी को पता है साइज में बड़ा हुआ तो सॉफ्ट बेस हो गया। कॉपर यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो आपके पास कम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कॉपर जो है 3D सीरीज से बिलोंग करता है, इसकी साइज छोटी होगी, इसीलिए क्या होगा ये हार्ड एसिड हो गया। ठीक है, नाउ कॉपर यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिले तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन यहाँ पर क्या है भाई, डोनर एटम जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो तो वो तो क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। इंटरेक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, इंट्रेक्शन करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जाएगा। ठीक है, और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जाएगा। वी विल राइट हियर, वी विल राइट हियर हार्ड, नॉट स्ट्रॉन्ग, वी विल राइट हियर हार्ड। ओके, नाउ आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, देखिए कॉपर जो है, कॉपर ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, फ्लोरीन के साथ, और दूसरी तरफ आपके पास जो कॉपर बचेगा वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयोडीन के साथ। अब यहाँ पर क्या है, हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन बेटर इंट्रेक्शन, यहाँ क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन बेटर इंट्रेक्शन। तो इस तरह से जो है एसिड बेस रिएक्शंस होती है। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स, यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पर लिथियम आयोडाइड गिवन है, सीजियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो लिथियम आपको पता है क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। आयोडाइड क्या होता है आपके पास, आयोडीन आपके पास सॉफ्ट बेस होता है। ऐसे सीजियम क्या है, सॉफ्ट एसिड होता है, और फ्लोरीन क्या है भी आपके पास, जो आपके पास है हार्ड बेस होता है, दिस वन इज हार्ड बेस। ठीक है, अब रिएक्शंस करवा दीजिए हार्ड हार्ड के साथ एंड सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, प्रोडक्ट आपका इजीली फॉर्म हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। ओके, सेकंड केस आपके पास देखिए, HgF2 है एंड I2F2, तो फ्लोरीन तो आपको पता है क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे आयोडीन आपको पता है क्या है, ये सॉरी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, हार्ड हार्ड हार्ड, दिस वन इज अ हार्ड बेस, दिस वन फ्लोरिन तो हार्ड होता है ना, स्मॉल साइज का हो गया, ऐसे आयोडीन क्या हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड्स हमें छाटने, देखिए यहाँ पर HG है, ठीक है, HG प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमने क्या कहा था, हायर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसे बेरिलियम जो है वो क्या है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो वो क्या हो गया अभी आपके पास, हार्ड एसिड हो गया। ठीक है, तो हार्ड हार्ड की इंट्रेक्शन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट के इंट्रेक्शन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है BeF2, हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन हो गया है, दूसरा क्या हो गया आपके पास, HgI2, तो यहाँ पर हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन, ये यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन, जैसे लिथियम के केस में हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन आपके पास हुआ था। नाउ नेक्स्ट केस देख लीजिए, कैल्शियम है, वॉटर है, तो कैल्शियम क्या होगा अभी आपके पास, अल्कली मेटल्स का है, तो ये तो हार्ड एसिड हो गया। सल्फर क्या है यहाँ पर, सल्फाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बेस। ऐसे ही जो आपके पास ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, हार्ड
बेस होते हैं, और हाइड्रोजन क्या है भाई आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास बॉर्डरलाइन में आता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपके पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, तो इंटरेक्शन करवा दीजिए, इंटरेक्शन से आपके पास क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या मिल जाएगा, H2S। ठीक है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया, ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है CO(CN)5 आयोडीन। ठीक है, आप यहाँ क्या देखते हो, जो सीएन है, आयोडीन क्या है आपके पास, सॉफ्ट बेस होता है। ऐसे ही साइनाइड भी क्या होता है भी आपके पास, सॉफ्ट एसिड होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। इसी तरह से NH3 और F, यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरीन जो है वो हार्ड बेस गिवन है। ऐसे ही अमोनिया जो नाइट्रोजन डोनर हो गया ना, नाइट्रोजन से है, तो नाइट्रोजन जो है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डोनर नहीं है, ये एक्सेप्टर रहेगा, एसिड है ये। ठीक है, NH3 जो रहेगा वो क्या है भी आपके पास, हार्ड एसिड है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी आपके पास स्टेबल हो गया विद हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। यदि मैं इसकी जगह उल्टा कर दूं कि सीएन के साथ मैंने फ्लोरीन लगा दिया, अमोनिया के साथ मैंने आयोडीन लगा दिया, तो वो इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन बनेगा और कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास थी कि हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट के अंदर इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है, कि हार्ड बेस एसिड बेस जो है इंटरेक्ट करके किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे। एचएसबी ने बताया कि स्टेबल कौन रहेगा और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म होता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है आपके पास एचएसएबी प्रिंसिपल की, दैट इज प्रेडिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन किस तरह की कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखेगा ये, इन कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड्स आप सभी को पता है जो क्या होते हैं भाई, मोनोडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब ये है कि वो वन इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट इसके अंदर साइट्स जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा साइट कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होती हैं, और एक टाइम में एक ही डोनर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। ये नहीं है कि दो दो डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, डोनर एटम यहाँ पर दो प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखिए एचएसएबी ने इसके अंदर कैसे अपना रोल शो किया कि एम्बिडेंट के केस में क्या होता है। लाइक इसने कहा कि यदि हमारे पास कोई हार्ड एसिड है ना, हार्ड एसिड वही हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और सॉफ्ट जो एसिड रहेगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा। यही प्रिंसिपल था, इसी को फॉलो करते हुए इसने कहा कि सपोज कीजिए मेरे पास एम्बिडेंट लिगेंड है, कोबाल्ट है। ठीक है, और मेरे पास NCS, ये एक एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं, मैं इसको यदि यहाँ पे देखूं तो कोबाल्ट के साथ यदि मुझे बॉन्डिंग करनी है तो मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन CS। ठीक है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग फॉर्म होगी, क्योंकि कोबाल्ट क्या है भी आपके पास, कोबाल्ट यदि यहाँ पर क्या है, हार्ड है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्मॉल हो गया, 3D सीरीज का है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, लाइटर एलिमेंट है, तो ये क्या है यहाँ पर, हार्ड एसिड है। ठीक है, मेटल है तो एसिड रहेगा ही। इसी तरह से जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है भाई, हार्ड बेस होता है। हमने कहा था ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन आ जाए वो तो हार्ड होते हैं, तो ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा बेटर है। यदि इसकी जगह मैंने यहाँ पर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है, यदि मैंने इसी को उल्टा कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे SCN कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने अब सल्फर की बॉन्डिंग किसके साथ की है, कोबाल्ट के साथ की है, तो मैंने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। क्यों गलत कर दिया है, क्योंकि आपके पास CO कोबाल्ट तो क्या है भाई आपके पास, हार्ड एसिड है, लेकिन सल्फर तो क्या है आपके पास, सॉफ्ट बेस है, तो ये इंटरेक्शन यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास भाई, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैंने कॉम्प्लेक्स क्या ले लिया, मैंने मुझे SCN की बॉन्डिंग करानी है, तो मैं हैवियर एलिमेंट लूंगी,
ठीक है, हैवियर एलिमेंट क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने हैवियर एलिमेंट के साथ इनकी बॉन्डिंग शो कर दी। यदि मैं इस तरह से बॉन्डिंग शो कर देती हूँ तो वो सही रहेगा, क्योंकि पैलिडिनम क्या है भी आपके पास, सॉफ्ट एसिड है, एस सल्फर भी क्या है आपके पास, सॉफ्ट बेस है, ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन आपके पास स्टेबल रहेगी। ओके, तो इसके केसेस में कि एमिडेंट कॉम्प्लेक्स स्टेबल बने हैं या नहीं बने हैं, उस केस में मुझे ये देखना होगा कि क्या कहीं हार्ड एसिड ने कहीं वीक बेस के सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्डिंग नहीं की है। यदि इस तरह से हुआ तो आपके पास जो एमिडेंट लिगेंड ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन यदि हार्ड एसिड ने हार्ड ही बेस के साथ रिएक्शन की है, ठीक है, हार्ड ही बेस मतलब हार्ड ही एमिडेंट लिगेंड के साथ बॉन्डिंग की है, तो वो कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेबल रहेगा। ये बताया एचएसएबी प्रिंसिपल ने इन केस ऑफ एमिडेंट लिगेंड्स। थर्ड एप्लीकेशन जो है एचएसएबी की, दैट इज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। देखिए इसके केस में क्या था कि हमारे पास, यदि हमें ये पता चल जाता है कि आपके पास, मैं एग्जांपल यहां पर ले लेती हूँ, बी एच पॉजिटिव गिवन है, ठीक है, और सी एच थ्री एच जी पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। अब मुझे यदि इनकी इंटरेक्शन करवानी है तो मुझे यदि ये पता है, क्योंकि एच जी यहाँ पर आया है, तो एच जी क्या होता है आपके पास, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मुझे एक का पता चला कि ये क्या है आपके पास, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। सॉफ्ट बेस की रिएक्शन जब आपके पास होगी तो इसने क्या फॉर्म किया, सी एस थ्री एच जी बी पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल जाता है, एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए ये एच पॉजिटिव यहाँ से निकला है तो इसका मतलब ये सॉफ्ट तो नहीं था, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, हार्ड है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, हार्ड एसिड है। तो मुझे क्या कर, मैं यहाँ से क्या डिटेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पर बी तो क्या है आपके पास, सॉफ्ट एसिड है, और हाइड्रोजन क्या है भी आपके पास, हार्ड एसिड है, ठीक है। इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो, या फिर मैं आपके लिए एक और एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास गिवन है कि R2SH किसके साथ रिएक्शन करता है भाई, CH3HG पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है। ओके, ना वही केस, ये तो आपके पास क्या हो गया, सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है, मुझे सॉफ्ट बेस ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से किसको ले लूँ, मैं यहाँ से SR पार्ट को ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, और ये क्या है, सल्फर पार्ट क्या रहेगा आपके पास, ये क्या है भाई, सॉफ्ट बेस है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ से हम डिटेक्शन कर सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं कि कौन हार्ड है कौन वीक है, यदि हमारे पास, हमें एक का पता हो, ठीक है, यदि हमें एक हार्ड या सॉफ्ट एसिड बेस का पता हो तो हम दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर से एसिड बेस की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी एस थ्री एच जी पॉजिटिव SR2 की फॉर्मेशन हो सकती है और यहाँ पर एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसके अंदर हम ये बोलेंगे कि हमेशा सॉफ्ट बेस कंबाइन करेगा सॉफ्ट के साथ एंड हार्ड कंबाइन करेगा हार्ड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट में यदि ये मिला है, फर्स्ट केस में प्रोडक्ट में ये मिला है, तो मुझे तो ये तो पता था कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट था CH3HG वो सॉफ्ट था, यदि उसके साथ बोरोन मिला है मतलब ये भी आपके पास सॉफ्ट ही है। ऐसे ही मुझे ये पता था कि ये जो CH3HG है ये सॉफ्ट है, तो इसके साथ मिलने वाला पार्ट भी आपके पास क्या रहेगा, सॉफ्ट ही रहेगा। फोर्थ एप्लीकेशन पार्ट आता है अकरेंस ऑफ ओज एंड मिनरल्स, अकरेंस ऑफ ओज एंड मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स जो आते हैं आपके पास, MERALS मिनरल्स। देखिए हम क्या बोलते हैं कि यदि आपके पास कोई भी ओर है, ठीक है, उसके अंदर कोई मेटल आयन प्रेजेंट है, लाइक मैं बात करूं कि आपके पास क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, या मैं कहूं आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, या मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, ये इस तरह से आपके पास प्रेजेंट है, मुझे पता है ये कैसे है भी आपके पास, हार्ड एसिड है, ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं ना, ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, तो ये हार्ड एसिड है। यदि मैं इनको देखूं कि ये अपने साथ, अपने मतलब इस, ये किस फॉर्म में, किस कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो या तो ये मिलेंगे आपके पास ऑक्साइड की फॉर्म में, या मिलेंगे ये फ्लोराइड्स की फॉर्म में, ठीक है, या कार्बोनेट और हैलाइड्स, कार्बोनेट्स और हैलाइड की फॉर्म में ही ये मिलेंगे, क्योंकि ये जो सारे होते हैं, ऑक्साइड डोनर है, ऑक्सीजन डोनर हो गया, फ्लोरीन डोनर हो गया, कार्बोनेट के अंदर भी ऑक्सीजन है, हैलाइड्स के अंदर हैलोजन है, फ्लोरीन वगैरह ही है, तो ये सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं,
तो यदि हार्ड आयन आपके पास कहीं प्रेजेंट है तो वो हार्ड ही बेस के साथ प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है वो किस टाइप के, वो किस कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला है, वेदर वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा या कार्बोनेट या हैलाइड्स की फॉर्मेशन में मिलता है, ठीक है। यदि इस तरह से नहीं है, यदि आपके पास क्या है, यदि मैंने कहा कि आपके पास सॉफ्ट, आपने वो ले लिए सॉफ्ट एसिड लिए हैं, ठीक है, सॉफ्ट एसिड लिए, लाइक आपने कहा कि आपके पास कॉपर है, एजी पॉजिटिव है, आपके पास Pb2 पॉजिटिव है, इस तरह से आपके पास प्रेजेंट है। अब देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट ही आपने सॉफ्ट ही बेस के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेंगे, लाइक ये मिल सकते हैं आपको सल्फाइड्स की फॉर्म में, क्योंकि सल्फाइड क्या होता है भाई, सॉफ्ट होता है ना, तो सल्फाइड के साथ मिल सकते हैं ये, ना कि ये ऑक्साइड फ्लोराइड या कार्बोनेट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बता सकते हैं कि कोई मिनरल्स जो है उसका और क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा, फ्लोराइड रहेगा, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, ये सब जो है ऐसे ऐसे भी प्रिंसिपल ने बताया। लास्ट एप्लीकेशन जो इसकी है, दैट इज द फिफ्थ एप्लीकेशन, दैट इज पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एचएसएबी ने ये कहा कि हमारे पास क्या होता है, हम पॉइजनिंग ऑफ मेटल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मेटल्स लाइक आपके पास क्या है, निकेल 2 पॉजिटिव है, निकेल ही ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होते हैं, कुछ मेटल्स लाइक आपके पास क्या है, निकेल है, पैलेडिनम है, प्लेटिनियम है और क्रोमियम है, ये एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं, एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं, ठीक है। जब ये सब्सटेंसेस जो है ना, ये पॉइजन्स हो जाते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ कम्बिनेशन में आने पे, सीओ के साथ कम्बिनेशन आने पे, या फिर आपके पास क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन्स ओलिफिन्स के साथ कम्बिनेशन होने पे, या फिर आपके पास फॉस्फोरस वगैरह के साथ कम्बिनेशन होने पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये क्या है आपके पास, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, कैसे है ये आपके पास, सॉफ्ट एसिड है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, सब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होंगे आपके पास भाई, सॉफ्ट है। अब सीओ ओलिफिन्स और ये सारे भी क्या होते हैं आपके पास भाई, सॉफ्ट बेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट बेस होते हैं, सॉफ्ट एसिड के साथ अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होने के बाद उनकी एक्टिव साइट्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनकी एक्टिव साइट्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यदि एक्टिव साइट्स की ब्लॉक, यदि इनकी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, तो हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो भी मेटल था, ठीक है, वो मेटल जो था वो क्या कहेंगे हम उसको, कि वो पॉइजन हो गया है, ठीक है, कि सॉफ्ट एसिड कैटालिस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय हार्ड बेस और लिगेंड्स। यदि इसकी जगह कोई और दूसरा आपके पास सीओ की जगह कुछ और आ जाता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन आता, तो वो जो है वो निकिल पैलेडिनम या प्लेटिनम को अफेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जो सॉफ्ट यदि बेस आ गए हैं तो वो सॉफ्ट एसिड को इजिली अफेक्ट कर सकते हैं, मेटल को पॉइजन कर देते हैं। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, बॉर्डरलाइन एसिड बेस कंसेप्ट को पढ़ा, ठीक है। हमने एचएसएबी प्रिंसिपल को पढ़ा है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, वो सब जो है हमने डिस्कस किया है।